हेलो Rongshu. शॉट स्क्वाश और टेनिस का फर्क तुम्हें जानना चाहिए। जरूर, स्क्वाश का गेम टेनिस का गेम समझकर ही शूज भी पहनने चाहिए तुम्हें। शूज के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। कहाँ है तुम्हारी दुकान? मेरी दुकान? वही शू शॉप। Never gonna say the bits of damn Stampy, scary the bam. Born with the shine to rule the mind, baby. You gon' drive, never let to stay the dream of game. Scoopy, naughty gum, man. Rongshu. Follow me. देखो अच्छी तरह, यहाँ हर तरह के शूज मौजूद हैं और हर रंग के शूज हैं। तुम्हें गो कार्टिंग के लिए कौन से शूज चाहिए ये बताओ। क्यों वैसे, ये मेरे पैर, मेरी मर्जी। कोई भी शूज पहनूंगा, कोई भी रंग के पहनूंगा। वैसे बेकार हो, घर बार नहीं है क्या जो मेरे पैरों के पीछे पड़ी हो? हाँ? May I come in? Come in. Okay, sir. बैठो। कैसे आना हुआ? यूं ही, कल मैं आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाई। ये क्या,
टीवी चैनल्स की तरह रिपीट टेलीकास्ट कर रही हो क्या? रिपीट टेलीकास्ट नहीं, फ्रेश न्यूज बताती हूँ। टुमारो इज माई बर्थडे। ओह, पार्टी कहाँ है? बहुत बड़े ऑफिसर हो ना तुम, मेरा घर कहाँ है पता लगाओ और पहुँच जाओ, पार्टी वही दूंगी। अरे ये तो इसी भी सबकी व्हीकल लगती है। हो सकता है, पार्टी तो खूब जमेगी। चलो पहले उसे देखते हैं। अरे सुन, ये क्या, ये तो घर तक ही पहुंच गया। Many many happy returns of the day. Thank you. Excuse me. Okay. Happy birthday. तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुमको जो समय दिया था, that's all, baby. मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। कितने दिनों ये सीन तुमने और मैंने देखा, मेरी बात ना मानी तो इंटरनेट द्वारा पूरा इंडिया देख के एंजॉय। Idiot, get out of here, get out. How dare you do this? You filthy. क्या बात है? जब मैं बेडरूम में ड्रेस चेंज कर रही थी, इसने छुपके अपने सेलफोन से वीडियो निकाला और इंटरनेट में फीड करके ब्लैकमेल करूंगा कहता है। क्या है? बहुत बोल रहे हो, बीच में कहां से आ गए तुम? हैं अपने आप को बहुत बड़े मर्द समझते हो? हैं ओए, तू मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता है? ओए मारेगा क्या? सेल से मेल तो कर सकते हैं, ब्लैकमेल नहीं बे। तुम दोबारा इस इलाके में नजर आए ना तो एनकाउंटर कर दूंगा। थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी सर। असल में उससे बचने के लिए ही आपके बहुत करीब आई, जॉगिंग, गो कार्टिंग, स्क्वैश भी खेला। यानी अब हम नहीं मिलेंगे श्वेता? जरूर मिलेंगे, जब भी कोई इसी तरह मुझे परेशान करेगा। अब कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। क्या है गुल्लू? हाँ। तुम कैंटीन के बदले कपड़ों की दुकान खोलते तो अच्छा होता। क्यों? कपड़ों की दुकान होती तो तुम हर दिन नए कपड़े पहनती। सुनो, हाँ? अगर कोई काम ना करे तो गलत बात है, मगर कोई ना कोई काम करते रहना बड़ी बात है। देखना इसे एक दिन फाइव स्टार होटल बनाऊंगा। गुल्लू, हाँ? मैं फर्स्ट टाइम रिबन काट रही हूँ, सोच के बड़ी खुशी हो रही है। तो इस रिबन में से एक टुकड़ा काट के अपने बालों में बांधो, होटल ओपनिंग डेफिनेटली तुम नहीं करोगी। हाँ रंजीत भाई आ गए। श्वेता, कौन है ये खूबसूरत कन्या? हाँ, उस रोज भैया के गले में जो मेडल पहना रही थी वही है ये। आओ ना भैया। क्यों सुष्मिता, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। मिलो श्वेता। हाय। बड़े भैया, चाकू जैसी तेज लगती है, महबूबा है। टाइम हो रहा है, आओ चलो रिबन काटते हैं। हाँ हाँ चलो ना। कम मैं मेरे नाम से आपके नाम से बिजनेस करूंगा तो सफलता कदम चूमेगी भैया। अरे माँ कहाँ? वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? हाँ पिताजी जो नहीं आए, पति परमेश्वर होता है ना, उनकी इजाजत के बगैर वो कहां से आएगी भैया। वाह, बहुत अच्छी तरह सजा गया है। रंजीत बेटा, रंजीत, रंजीत बेटे। अरे इन हाथों से तुमने कैंटीन खोल दिया, अरे वाह वाह ये तो खूब चलेगी। अरे बेटा इसको बंद करो, ये खुला रहेगा तो सबकी नजर लग जाएगी मेरे बेटे। सुष्मिता तो कल रात से तुम्हारे गुण गा रही है, उसने तो किसी को सोने ही नहीं दिया। अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अंकल, सुमो तो रात भर मेरे साथ यहाँ थी। क्या है ना बेटे, रंजीत के नाम से कैंटीन खोल रहे हो ना इसलिए। चलो ना बेटे अब हमारे घर चलो, सुष्मिता ने अपने हाथों से मैसूर पाक बनाए हैं। मैसूर पाक मुझसे ज्यादा मेरे भाई को पसंद है अंकल। बड़े मजा किया हो। कौन है? कस्टमर है भैया के लिए, वो लाइफ है और ये मेरी होने वाली वाइफ है। सुनो बेटिया चलो घर चलो, टाइम ठीक नहीं है। यहाँ मेरे लिए बहुत काम बाकी है, आप जाइए। कैसा काम?
सबको बुलाना, वेलकम करना, वो नहीं करना और मतलब रात भर मैंने इसकी मदद की है ना, इसलिए आज रात को कुल्लू मुझे एक तोहफा देने वाला है। कैसा तोहफा? हेलो, हाय रंजीत, श्वेता बोल रही हूँ। हाय श्वेता, कहाँ से बोल रही हो? घर से बोल रही हूँ। परसों मम्मी और मैं तुम्हारे घर आए थे। फिर मिली क्यों नहीं? कैसे मिलती? वहाँ तुम अपने भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, उस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा सोच के मम्मी मुझे वापस ले आई। तुम्हारे भाई की गलती क्या? उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी, कुछ लोगों की साजिश थी ये। बस हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके रिलीज होते ही तुम जैसे अपनी माँ के साथ मेरे घर आई थी ना, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, मुहूर्त निकलवाने शादी का। क्या बोरिया बिस्तरा लेके आ गई तुम? यूं जवानी बर्बाद ना हो जाए सोच के जल्दी आ गई। मतलब बिना बताए इस तरह पहुंच जाओगी? मुहूर्त वगैरह निकाल के आती तो क्या तुम मंगलसूत्र तैयार करके बैठते? मैंने सोचा सामने रहूंगी तो तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम जल्दी एक हो जाएंगे। कौन है? आजा। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ? क्या हुआ राजेश्वरी, कौन आया है? पता नहीं, कुछ बातें सुनाई दे रही थी। और ये सूटकेस? ए रंजीत, यहाँ कोने में क्यों आए हो? अपने पिताजी से इतना डरते हो? जा जा, मैं डरता नहीं, मैं तो इज्जत करता हूँ। वैसे उनको हमारे बारे में कब बता रहे हो? पता कहाँ से ये बातें सुनाई दे रही है। देख मेरी जान, तू जा यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे सामने तुम्हारी महबूबा है और तुम हाथ जोड़ रहे हो, फिर क्या करूँ? यहाँ? ये क्या, पुलिस वाले होकर चोरों की तरह छुपे हो? कौन है ये लड़की? पिताजी, ये लड़की जी, मेरा नाम श्वेता है। उस दिन फंक्शन में तुमने ही रंजीत के गले में हार पहनाया था ना? हार नहीं जी, मेडल था। मेडल पहनाया, ठीक है। ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो तुम? मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूंगी। तो मिल चुकी ना, अब जाओ। अंकल जी, अगर नौकरी मिलने तक यहाँ रह जाओ। वैसे हमारे घर में एक ही नौकरी खाली है बेटी, वो है इस घर की बड़ी बहू की, वो नौकरी पसंद करोगी? सुनिए रंजीत, गुल्लू कहाँ है कम से कम मुझे तो बताइए। क्यों? मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करने की सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे घर आकर टेंशन लूंगा। क्या? देखिए आप अंदर मत आइए, मैं कपड़े बदल रही हूँ। देखिए मेरे नजदीक मत आइए, मैंने कहा मैं कपड़े बदल रही हूँ। इसीलिए तो आया हूँ। क्यों? तुम्हें छेड़ने के लिए। आपको तो मैंने बहुत शरीफ समझा था। तुमने गलत समझा। छूना मत मुझे, मैं गुल्लू से प्यार करती हूँ। शादी तो नहीं हुई ना? देखिए अगर मेरे पास आए ना तो क्या कर लोगी? ए ए ए, मुझे नहीं पहचाना सुम्मो। सच को जाने बगैर मुझसे गलती हो गई गिरीश, तुम्हारे भाई ने जो फाइल्स और सीडी संभाल के रखे थे उन तक पहुंचाऊंगी तो मेरी मदद करेंगे उन्होंने कहा था। उस दिन जब मैं सीडी ढूंढ रही थी तब तुम आ गए और मैं जान गई कि तुम गिरीश हो, और मैंने इन लोगों को बता दिया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, तुम तुरंत वो सीडी लेकर अपने भाई के पास चले जाओ, देर मत करो। मैं इसी वक्त अपनी मम्मी से मिलकर उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। सच को जाने बिना इतनी बड़ी गलती की मैंने, चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ के
मैं क्षमा मांगूंगी। रंजीत के साथ तेरी शादी करके अपनी गलतियों को सुधारूंगी मैं।